हाय गाइस, हमारे चेहरे पर बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे कि पिंपल्स, एक्ने, बड़े पोर्स, स्किन की ड्राइनेस आदि बहुत कुछ होता है। पर अगर आपको कुछ ऐसी समस्या है तो हो सकता है कि आपको कॉस्मेटिक सूट न करता हो, और कॉस्मेटिक का इस्तेमाल बहुत से लोग करते हैं, लेकिन अगर आपको एक नेचुरल DIY घर पर इस्तेमाल करेगी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आज मैं बनाना सिखाऊंगी आपको नीम फेस वॉश, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकती हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आपको एक्ने की समस्या है या फिर आप अपनी स्किन पर नेचुरल ट्राई करना चाहती हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं एक नीम तुलसी का एलोवेरा से बना एक फेस वॉश, जो आपकी स्किन की हर प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। तो आप इसे घर पर आसानी से बना सकती हैं। तो चलिए जानते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले ली है मैंने नीम की पत्तियाँ, जिसको अच्छे से साफ कर लिया है मैंने। और आपको ऐसे ही नीम की पत्तियाँ लेनी हैं। एक बाउल में मैंने नीम की पत्तियाँ ली हैं और इसे अच्छे से धो कर सुखा लेना है आपको। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प मिल सके। स्किन पर दिखाए अनुसार आपको नीम की पत्तियाँ लेनी है। मैंने करीबन 20 से 25 नीम की पत्तियाँ ली हैं। नीम में बहुत ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल और एंटीबायोटिक के गुण होते हैं, ऐसे में ये आपकी स्किन को ठीक करता है। और मैंने ली है 15 से 20 तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी में एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, और साथ में से तुलसी का इस्तेमाल स्किन पर एक्ने ठीक करने के लिए किया जाता है। तो ये स्किन की समस्याओं को दूर करता है। और नीम के पत्तियों को एक बाउल में ले लिया मैंने, और उसे मैं अच्छे से साफ पानी से इसे वॉश करूँगी। नीम की पत्तियाँ और तुलसी की पत्तियाँ को अच्छे से धोकर इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर आपको पीसना है इसे। और मैं इसे नीम की पत्तियाँ को मिक्सर ग्राइंडर में डाल दूँगी, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है आपको, ताकि पीसने में आसानी हो। ये नीम फेस वॉश बन के जो तैयार होगा, इसे आपको दिन में 2 बार यूज़ करना है। और अभी मैं दोनों को पीस लूँगी। ये फेस वॉश बिल्कुल नेचुरल होने के कारण ये आपकी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने वाला है। और अब देखो, मैंने इसे पीस लिया है। पीसने के बाद मैं इसे एक बाउल में ऐड कर दूँगी। आपको लेना है एक बाउल साफ़ सुथरा सा, और एक साफ़ सुथरा सा सफ़ेद कपड़ा। आप कोई भी कपड़ा ले सकती हैं। और मैं इसमें छान लूँगी। छानने के बाद जो भी हमें पेस्ट मिलेगा वो यूज़ में लेना है। तो मुझे लगभग ये 3 से 4 चम्मच मिल गए हैं मुझे। अब मैं इस नीम के पत्ते के जूस को एक बाउल में ऐड करूँगी, 3 से 4 चम्मच लगभग, जितना मुझे चाहिए। और आधा आधा ये रस मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सोप बेस। लगभग मैंने 4 से 5 चम्मच लिए हैं। और सोप बेस आपको लोकल मार्केट में आसानी से मिल सकता है। और इसे करना है आपको मिक्स। याद रहे, आप धीरे धीरे ही मिक्स कीजिएगा, इसे झाग नहीं बनने देना है। मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं ऐड करूँगी इसमें रोज़ वाटर, लगभग 3 से 4 चम्मच ऐड कर सकते हो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से। लगभग मैं 2 चम्मच लूँगी। और रोज़ वाटर आपकी स्किन की स्किन को वाइटिंग करने का काम करता है, और आपके स्किन में एक अच्छा सा ग्लो लेके आता है। अब आपको इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैंने ऑर्गेनिक का लिया है। लगभग 1.5 चम्मच या 1 चम्मच से लगभग इतना ही लूँगी मैं, जितना मुझे चाहिए। और इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है। एलोवेरा से दाग धब्बे दूर होते हैं, और स्किन में होने वाली अनेक समस्याएँ भी दूर होती हैं। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें जो मैंने फ्रिज में रखा था बचा हुआ नीम और तुलसी का रस, वो मैंने ऐड कर दिया है। और ये फेस वॉश हो गया है हमारा तैयार। अब मैं इस तैयार फेस वॉश को
एक बोतल में ऐड कर लूँगी। मेरे पास जो भी बोतल पड़ी थी उसमें मैंने इसमें सारी फेस वॉश को इसमें ऐड कर दिया है मैंने। आपके पास कोई भी बोतल होगी आप उसमें फेस वॉश को ऐड कर दीजिए। और ये फेस वॉश हो गया तैयार, और इसे रखना है आपको फ्रीज में, जब भी चाहो आप यूज़ कर लो और फिर इसे आप फ्रीज में रख दीजिए। आपको घर पर बना हुआ ये DIY कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और बाय।